एससीओ बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान ने एक हाथ से अमेरिका से मदद ली और दूसरा हाथ पुतिन की तरफ बढ़ा दिया। अब इसका नतीजा क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खुलासा करते हुए बताया है कि रूस और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी डील हुई है। ख्वाजा मोहम्मद ने दावा किया कि रूस पाकिस्तान को गैस और गेहूं देने के लिए तैयार है, लेकिन यहां एक बात जानना बेहद जरूरी है, ये दावा सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक अभी रूस से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के दावे को अगर सही भी माने तो रूस की यह मदद पाकिस्तान को सिर्फ बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए है। माना जा रहा है कि रूस की इस मदद से आर्थिक संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान को थोड़ी राहत तो मिलेगी। इस समय पाकिस्तान बाढ़ की वजह से बर्बाद हो रहा है। ऐसे समय पर रूस की पाकिस्तान को तेल सप्लाई पर अमेरिका भी आपत्ति नहीं उठा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर रूस और पाकिस्तान के बीच ये डील हुई है तो क्या इससे भारत को कोई फर्क पड़ेगा? आपको बता दें कि जहां तक बाढ़ के समय गेहूं और गैस देने का सवाल है, इससे भारत को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाढ़ से बर्बाद हुए पाकिस्तान के लिए तो भारत ने भी सहानुभूति जताई थी। भारत के लिए परेशानी तब खड़ी होती जब रूस और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ी व्यापारिक डील होती या फिर कोई बड़ा रक्षा समझौता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। जिस तरह का दावा पाकिस्तान की सरकार कर रही है, ठीक ऐसा ही दावा इमरान खान ने सत्ता जाने के बाद किया था। इमरान खान ने कहा था कि उनकी सरकार ने रूस के साथ ईंधन और गेहूं को लेकर व्यापार समझौता किया था, लेकिन इमरान खान का वो दावा झूठा था। खुद रूस के राजदूत ने इमरान खान की इस बात को नकार दिया था। अब ये देखना होगा कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दावे में कितनी सच्चाई है।